Hi, my name is Samad Ali, and our course Android Application Development ki aaj ka topic hai Alert Dialog Box. Alert Dialog Box ek choti si window hoti hai jo ki hamare samne aati hai, prompt hoti hai jab humne kuch application mein humne se kuch extra information leni ho ya hame koi na koi information provide karni hai. जैसे हम कुछ एप्लीकेशंस के अंदर अपने डिसीजंस जो हैं वो लॉक करवाते हैं यस और नो के फॉर्म में. मसलन अगर मैं कोई डाटा डिलीट कर रहा हूँ तो अगर उस डाटा को डिलीट करना से मेरा डाटा लॉस हो रहा है तो अक्सर आपने देखा होगा कि एप्लीकेशंस हमारे सामने एक मैसेज पॉपअप करवाती हैं कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट योर डाटा. सो इफ़ मैं अगर वहाँ पर येस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो डाटा डिलीट हो जाता है, अगर नो पे क्लिक करता हूँ तो वो डाटा डिलीट नहीं होता. इसी तरह अगर कोई एरर वगैरह आ जाए तो उस सूरत में भी मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, इंफॉर्मेशनल डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है उस एरर से मुतल्लिक. हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं उसके जो हम कंपोनेंट सेट कर रखते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम उनके फंक्शंस को सेट करवाते हैं. जैसे कि अगर डायलॉग से रिलेटेड अगर हमने कोई आइकॉन सेट करवाना है, लेट्स से जिसमें मैसेज है वो इंफॉर्मेशन का है तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन का आइकॉन आएगा, एरर है तो एरर का आइकॉन हम सेट करवा देंगे, तो वो हम जो भी उससे रिलेटेड आइकॉन है उसकी सेटिंग यहाँ पे करवा सकते हैं सेट आइकॉन फंक्शन के थ्रू. सेट कैंसिलेबल हमें अलाउ करता है कि हम उस डायलॉग बॉक्स के जो नीचे अवेलेबल बटन हैं जो जिसमें यस नो या वट एवर कुछ भी हो सकता है कैंसिल, उनको हम अवॉइड करके उस डायलॉग बॉक्स को ही अवॉइड कर लें और साइड पे टैप करें तो वो डायलॉग बॉक्स हाइड हो जाए, तो उसको हम सेट करवा सकते हैं सेट कैंसिलेबल से कि अगर हम सेट कैंसिलेबल कर देंगे तो हम उस डायलॉग बॉक्स में किसी भी डिसीजन को अवॉइड कर लेंगे. इसी तरह हमारे पास सेट मैसेज है. सेट मैसेज बेसिकली उसका कंटेंट जो है जो भी उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सेट मैसेज के अलावा भी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, उसको हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं. तो और कौन कौन सी चीज़ें हम डायलॉग बॉक्स में सेट करवा सकते हैं वो हम वहाँ पर देखेंगे. सेट ऑन कैंसिल लिसनर और अगर आप डायलॉग बॉक्स के ऊपर तो बटन के ऊपर कैंसिल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप डायलॉग बॉक्स को आप कैंसिल कर रहे हैं यानी कि उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो उस सूरत में एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करवा सकते हैं हम कि यूज़र ने अगर उस डायलॉग बॉक्स को अवॉइड किया है तो उस सिचुएशन के अंदर डिफ़ॉल्ट डिसीजन क्या होगा एप्लीकेशन का. और सेट टाइटल जो है वो सेट आइकॉन के साथ जो हमारे पास कोई भी टाइटल हो सकता है, वो एप्लीकेशन का नाम हो सकता है, वो एरर से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज हो सकता है कि ये एरर की रीज़न क्या है या इसकी क्या वजह. अच्छा जी, यहाँ पे हमने बात की थी कि सेट मैसेज के अलावा भी हम कुछ चीज़ें सेट करवा सकते हैं. तो सेट मैसेज के अंदर तो हम सिंपल स्ट्रिंग मैसेज शो करवाते हैं. सेट आइटम्स के अंदर लेट्स से अगर हमने यूज़र को ये चॉइस देनी हो कि मल्टीपल आइटम्स में से कोई एक आइटम को सेलेक्ट कर ले तो हम सेट आइटम्स का फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें आइटम्स की एरे पास कर देंगे. सेट मल्टी चॉइस आइटम के अंदर ये है कि अगर यूज़र एक से ज़्यादा आइटम को भी चूज़ करना चाहे तो उस सूरत में हर आइटम के अगेंस्ट एक चेकबॉक्स आ जाएगा और हम चेकबॉक्स को चेक करने के बाद नीचे से अगर ओके का बटन प्रेस करेंगे तो वो सारी आइटम्स हमारे पास आ जाएंगी. सेट व्यू के केस के अंदर ये है कि अगर यूज़र अपनी मर्ज़ी का कोई लेआउट डिफाइन करे डायलॉग बॉक्स के लिए और उसके अंदर जैसी भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहे, वट एवर जो कुछ भी उसमें डिफ़ाइन करेगा वो यूज़र की अपनी मर्ज़ी है और वो डायलॉग बॉक्स के ऊपर प्रेजेंट कर सकता है. ये एक सिंपल डायलॉग बॉक्स की एग्जांपल है कि हमने एक बटन के ऊपर डायलॉग बॉक्स को कॉल किया है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो कहते हैं आर यू श्योर और उसके ऊपर दो बटन आपको नज़र आ रहे हैं, एक यस का और एक नो का. यस के केस में पॉसिबल है कि जो हम एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, नो के केस में हो सकता है कि ये डायलॉग बॉक्स डिसमिस हो जाए.
इसके अलावा हमारे पास इन्फॉर्मेशन शो करवाने के लिए एक और भी मेथड है जिसको हम टोस्ट बोलते हैं। टोस्ट जो है वो एक थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, जो भी करंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको शो करवाने के लिए हम टोस्ट यूज़ करते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन में नीचे एक छोटा सा एक मैसेज पॉपअप होता है और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, और वो ड्यूरेशन के बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक में के ऊपर क्लिक किया तो नीचे आपको वेलकम टोस्ट नज़र आ रहा है, जो कि 2 से 3 सेकंड, 1 से 2 सेकंड के लिए आपको नज़र आएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, दो तरह की होती है, शॉर्ट भी होती है लॉन्ग भी होती है, दोनों को हम ट्राई करके देख लेंगे। थोड़ा सा इसको हम स्टूडियो पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है, एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर हम सिंपल अलर्ट डायलॉग बॉक्स को क्रिएट करके देखते हैं, ताकि हम देख सकें कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं, वैसे हम ऑन क्रिएट पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही जो बेहतर समझूंगा कि हम इसके लिए अलग फंक्शन बना लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पब्लिक वर्ड क्रिएट डायलॉग, और यहाँ पे हम अलर्ट बिल्डर को कॉल करेंगे, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम अलर्ट डायलॉग बिल्डर, और इसके अंदर जो हमें पास करना है वो रेफरेंस पास करना है एक्टिविटी का। नॉर्मली हम कॉन्टेक्स्ट का पास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक्टिविटी का पास करना है। वैसे तो हम यहाँ पे सिंपल दिस भी पास कर देंगे तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अभी हम एक्टिविटी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद हम इस बिल्डर के थ्रू इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बिल्ड डॉट सेट टाइटल सो अलर्ट मैसेज ये है, बिल्डर डॉट सेट टाइटल, सॉरी टाइटल तो हमने सेट कर दिया, अब सेट मैसेज कर लेते हैं, दिस इज अ सिंपल मैसेज फॉर अलर्ट, ठीक है जी, ये हमने इसको मैसेज लिख दिया, बिल्डर डॉट सेट आइकॉन। अब अगर हमने एंड्रॉयड की लाइब्रेरी से हमने कोई आइकॉन देखना है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, एंड्रॉयड, वैसे हम अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं, ड्राइवर डॉट आई सी डायलॉग अलर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारे आइकॉन अवेलेबल हैं, इनमें से हम जौन सा भी रेलेवेंट होगा हमारे डायलॉग के साथ उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से भी कोई इमेज दे सकते हैं, ड्रॉएबल में कोई भी इमेज डाउनलोड करके रख लें और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लेट से हम इसके ऊपर बटन डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक ओके का और एक कैंसिल का, वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बिल्डर डॉट उसके बाद सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है, सेट पॉजिटिव बटन के अंदर हम डिफाइन कर देंगे उसका टेक्स्ट के, उसका टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, और उसके अलावा न्यू
डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिस्ट में। तो इस बटन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ये वो इन्फॉर्मेशन होगी जब बटन ओके होगा तो उस सूरत में क्या होना चाहिए। तो लेट से हम जो टोस्ट मैसेजेस हमने डिस्कस किए हैं वो टोस्ट मैसेजेस को उसकी भी एग्जांपल हम यहीं पे कर लेते हैं और टोस्ट मैसेज यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो टोस्ट मैसेज को शो करवाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप देखेंगे क्लास का नाम टोस्ट और उसका एक स्टैटिक फंक्शन है कॉल करेंगे मेक टेक्स्ट। मेक टेक्स्ट के बाद हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। उसके बाद हमें सेकंड चीज़ जो पास करनी है वो पास करनी है उसका मैसेज। चार सीक्वेंस में इसका मैसेज या स्ट्रिंग में पास कर दें। लेट्स से मेरा जो मैसेज है वो ये है कि ओके पेस्ट। उसके बाद जो तीसरा हमने पैरामीटर पास करना है वो इसकी लेंथ पास करनी है कि कितनी देर कितनी ड्यूरेशन के लिए ये टोस्ट मैसेज हमारे पास रहे। तो हमारे पास दो तरह की लेंथ है, लेंथ शॉर्ट और लेंथ लॉन्ग। नॉर्मली हम लेंथ शॉर्ट यूज़ करते हैं, लेंथ शॉर्ट लेंथ लॉन्ग में आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ इसी तरह अगर हम लिख रहे हैं बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन, तो आप नेगेटिव बटन को भी डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह जैसे उस पर किया है। पहले हमने ओके लिखा है, यहाँ पे मैंने कैंसिल लिख दिया है। आप जो यहाँ पे नाम जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे उस नाम का वहाँ पे बटन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे अगेन एक नया लिस्टनर डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे भी हम टोस्ट डिफाइन कर देते हैं डॉट मेक टेक्स्ट। इसके बाद हम एक इसका जो हमारा जो अलर्ट बॉक्स है उसको हम बिल्डर के जरिए क्रिएट कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे मैंने लिखा है अलर्ट डायलॉग और ये मेरा डायलॉग है और बिल्डर जो है इसको क्रिएट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने डायलॉग के जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ। नाउ लेट्स वेट कि हमारा एमुलेटर एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर ये एप्लीकेशन चलेगी। जी, हमारे पास ये सिंपल अलर्ट बॉक्स की आउटपुट आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बटन बने हुए हैं, एक ओके का और कैंसिल का। अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है कि ओके प्रेस हुआ। और इस एप्लीकेशन को दोबारा अगर रन करूँगा तो मेरे पास दोबारा से यहाँ पे अलर्ट मैसेज है। अगर मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ तो मुझे नीचे मैसेज आया था कैंसिल प्रेस। तो ये नीचे कैंसिल प्रेस जो मैसेज आ रहा है ये बेसिकली टोस्ट मैसेज है। और ये जो ऊपर हमारे पास मैसेज जो पॉपअप विंडो आती है उसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो ये इस फंक्शन को आप ये जो क्रिएट डायलॉग है इसको बटन के क्लिक के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। हम जस्ट जल्दी से इसको बटन क्लिक के ऊपर कॉल करते हैं और बाकी जो हमारे कंटेंट्स हैं उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। जल्दी से यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हमारा टेक्स्ट जो है इसी को हम बटन में कन्वर्ट कर लेते हैं और लेट से मैं इसी को कह देता हूँ क्लिक मी और इसको एक आईडी दे देते हैं बीपीएल। डायलॉग कर दिया ताकि याद रहे कि कुछ लिया है। इसको खत्म कर दिया और यहाँ पे लिखा है कि फाइंड बाय फाइंड व्यू बाय आईडी r dot id dot dialog dot set on click listener ये। और यहाँ पे हम सिंपल इसको फिल्टर कॉल करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एलर्ट
टेक्स्ट भी देने का बटन आ गया है, बटन पर क्लिक करते हैं डायलॉग बॉक्स नज़र आता है, ओके करेंगे तो नीचे मैसेज आ गया ओके कैस्ट। इसी तरह दोबारा से क्लिक किया कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा कैंसिल कैस्ट। ठीक है, तो सिंपल डायलॉग बॉक्स देख लिया है हमने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो हमारे सेट आइटम और सेट कस्टम आइटम्स वगैरह जो कस्टम लेआउट है उसको इंशाल्लाह देखेंगे।